नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार को दिल्ली में होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। बैठक के बाद भाजपा के बाकी प्रत्याशियों के नाम घोषित करने के लिए पांचवी सूची जारी होने की संभावना है। पार्टी ने अब तक 136 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, बाकी 94 सीटों पर घोषणा शेष है। वहीं 58 वर्तमान विधायकों की टिकट पर भी इस बैठक में निर्णय होना है। कुछ प्रत्याशियों के नाम को रोका भी जा सकता है। बता दें कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर पिछले एक सप्ताह से मुख्यमंत्री निवास में 3 से 4 बैठकें हो चुकी है। वहीं मंगलवार देर रात तक दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगले पर भी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में टिकट के दावेदारों के नाम को लेकर मंथन चला। अब शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बाकी प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम निर्णय होना है। बता दें कि 136 प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद 94 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना शेष है। इनमें 58 विधायक 9 मंत्री भी शामिल है। 94 में से हारी हुई 27 सीटें प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा ने इतना लंबा समय लिया है। 9 मंत्रियों में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके टिकट पर संकट है। वहीं कुछ विधायकों की जगह नए चेहरे को भी टिकट दिया जा सकता है।